खबर नैनीताल से है, जहां आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में भाग लेने आए हजारों कांग्रेसियों ने जनहित के दर्जनों मुद्दों को लेकर कमिश्नरी का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं जन आक्रोश रैली में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सरकार आम जन के मुद्दों को छोड़कर जनता को भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस रैली के माध्यम से जन चेतना जगाना चाहते हैं। विनोद बिष्ट कांग्रेसी वरिष्ठ नेता व मंटू हरीश मौजूद रहे। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। रोजगार के और भ्रष्टाचार के, खनन माफिया, जंगल माफिया, भू माफिया, स्त्रियों का बलात्कार करने वाले लोग, हमारा अग्निवीर योजना, इन सब विषयों पर मौन लेकर लोग बैठे हुए हैं। केवल एक ही ध्यान सरकार का है, पोलराइजेशन ऑफ वोट किसी भी कीमत पर करके राजनीतिक रोटियां सेकने का। और हम चाहते हैं, हम जन चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को एहसास करा रहे हैं कि असली मुद्दे हैं आपके बच्चों का रोजगार, असली मुद्दे हैं कि बच्चों को स्वच्छ और साफ सुथरी व्यवस्था मिले, ताकि पेपर लीक ना हो। हम चाहते हैं किसानों की मांग सुनी जाए, जो अन्नदाता है। पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में भी